नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर बात करेंगे। यूके ने लॉन्च किया है 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन का चैलेंज फंड इन इंडिया। तो बेसिकली ये आपके आता है अंडर यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप के। तो 3 मिलियन पाउंड्स का मतलब हुआ 1 मिलियन 10 लाख का। तो तकरीबन तकरीबन ये 29.4 करोड़ के आसपास का फंड है। तो ये बहुत बड़ा फंड है, क्योंकि जिस तरीके से इसका मैकेनिज्म है मैं उस पर भी बात करूंगा, जिस तरीके से 12 ग्रांट्स पे ये दिया जाना है। तो बिचले शुरू करते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के लिए। और इस जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यूके ये जो इनिशिएटिव जो ये बिल्ड हुआ है, तो ये बेसिकली बिल्ड हुआ है इंडियन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के कमिटमेंट से, जिन्होंने ये कहा था कि ये दोनों कंट्रीज़ के बेस्ट माइंड्स को एक साथ लेके आएंगे, उससे अपन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, उससे जॉब्स बढ़ेंगी, उससे रिसर्च में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये इसको यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप कहा गया है। तो बेसिकली इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इससे क्या होगा कि ये डिलीवर करेगा हाई स्किल जॉब्स को और कोलेबोरेशन करेगा वर्ल्ड के बिगेस्ट चैलेंजेस को। जिस तरीके अब ये कोविड के लिए है, तो बेसिकली ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड रिसर्च को भी सपोर्ट करेगा। तो बेसिकली इसमें जो इनोवेशन चैलेंज फंड है, इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट करेगा साइंटिस्ट को इन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री टू टैकल कोविड-19 एंड थ्रेट टू आर एनवायरनमेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से ये देखा जाएगा, तो उसको लेकर के ये फंड की जो उसकी संरचना की गई है, जो इसका आधार है, वो ये इस तरीके का चैलेंज को है। और ये इनिशिएटिव जो बिल्ड होता है दोनों प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी के साथ है। और बेसिकली ये कहाँ पर होगा आपका, जो मैंने इसमें दिया है डेटा क्लस्टर का, इसका मतलब है जो फंड ये इनिशिएट करेगा, ये शुरुआत करेगा टेक इनोवेशंस को, जिनको कनेक्शन होगा आपका AI डाटा क्लस्टर इन कर्नाटका और फ्यूचर मोबिलिटी क्लस्टर इन महाराष्ट्र। ये दोनों जो कर्नाटका और महाराष्ट्र की जगह हैं, बेसिकली ये दोनों क्लस्टर्स एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए दिए जाना है, AI डाटा क्लस्टर इन कर्नाटका के लिए और फ्यूचर मोबिलिटी क्लस्टर इन महाराष्ट्र के लिए। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसमें जो और भी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो ये अप्रैल 2018 में इंडिया और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स ने अनाउंस किया था कि फॉर्मली वो इस तरह का कोई एक फंड क्रिएट करेंगे यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप का। तो इसमें जो ये सर फिलिप बैटन हैं, ये आपके हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं, ये इंडिया में ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं ये इंडिया के अंदर। और इन्होंने ये कहा था कि यूके और इंडिया जो है इनकी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है जो रिसर्च और इनोवेशन में, तो कोविड और क्लाइमेट चेंज को लेके डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, उसमें जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल जो हम देख रहे हैं उनमें जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए। तो नेवर देयर हैज़ बीन अ ग्रेट नीड फॉर एकेडमिया, और ये कहते हैं कि आज जो नीड है एकेडमिया के कोलेबोरेशन की वो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पहले इतनी ज़्यादा नहीं देखी गई है, इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो बिजनेस गवर्नमेंट एक्सेलरेट करने के लिए और इनोवेशन करने के लिए टू सेव बेटर लाइव्स एंड बिल्ड अप बेटर फ्यूचर, तो ये एक अच्छी बात की है उन्होंने। और इसी के साथ ये कैरन मैकलस्की ने, ये जो हैं आपके ये हेड हैं इंडिया यूके टेक पार्टनरशिप के ब्रिटिश हाई कमिश्नर के अंदर ही, तो इन्होंने कहा जो ये फंड है ये एम करता है टू गेट बिहाइंड द इनोवेशन हीरोज़, उनको इनक्रेज करे, उनको साथ में लेके आए, जॉइंट रिसर्च करे, वेदर दे आर वर्किंग टू बैटल द वायरस जो ये वायरस से लड़ रहे हैं, या ग्रेटर ग्लोबल थ्रेट जैसे क्लाइमेट चेंज है। तो उनको खुशी हुई, इन्होंने गर्व महसूस किया इंडिया के साथ काम करने के लिए एज ट्विन लीडर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन इमरजेंस टेक फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो बेसिकली अब हम इसकी जिस तरीके से अगर इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो मैकेनिज्म का जो रोल है कि ये किस तरह से दिया जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है दरअसल। तो एटलीस्ट इसमें जो है वो 12 ग्रांट्स होंगी अप टू 2.5 लाख पाउंड्स के, और एक्सपेक्टेड टू बी अवार्डेड। एप्लीकेशन जो रिक्वायर्ड होगी वो सबमिट करेंगे आपको बिड्स एज एन एकेडमिया या इंडस्ट्री के साथ मिलकर, जैसे रिसर्च प्रपोजल्स आप देते हैं, आइडियली विद इंटरनेशनल नंबर। तो इनकी मतलब इनकी जो प्रायोरिटी होगी वो अच्छा रहेगा अगर इंटरनेशनल नंबर हो। और इसकी जो डेडलाइन है 2 पेज कॉन्सेप्ट की, वो है आपकी 31 अगस्त। तो यहाँ तक अगर हम कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 12 ग्रांट्स दी जानी है 2.5 लाख पाउंड से एक तकरीबन की, और ये किसके तहत लिया जा रहा है, इंडिया यूके टेक पार्टनरशिप के तहत। चलिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।